अल्लाह डियर एस पैरेंट्स दिस इज़ मोहम्मद आफाक इमरान एंड आई एम लेक्ड इन इंग्लिश एट पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड एन एक्डमिक काउंसिल फॉर इंग्लिश एस एंड प्रेसिट कम्पोजिशन सी एस एस पी एम एस डियर एस पैरेंट्स आज जिस मौजु पे मैं बात करने आया हूँ वो है कि अपनी ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव किया जाए एस्पायरेंट्स इस बात को आ, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है आज आ, आ, इस दौर में जिसमें हम रह रहे हैं इसमें यू नो इट इज़ अ ग्लोबलाइज वर्ल्ड और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा रोल है लेकिन फिर भी हम इस बात को फरामोश नहीं कर सकते कि इंग्लिश इज़ नॉट आर मदर लैंग्वेज सो इंग्लिश uh, को सीखने के लिए या किसी भी लैंग्वेज uh, को एक्वायर करने के लिए जब हम सेकेंड uh, या थर्ड लैंग्वेज एक्वायर करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ नेसेसरी स्टेप्स को फॉलो करें अब वो स्टेप्स क्या हैं मी बींग सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर मैं uh, हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप सबसे पहले अपने कोर पे काम करें और कोर जो है वो किसी भी लैंग्वेज के लिए होती है लिसनिंग यानी कि आप अगर एक इन्फेंट को देखें जो अपनी मदर लैंग्वेज सीखता है तो वो भी पहले आठ महीने या एक साल अपनी मदर को और अपने पेरेंट्स को और अपने सिबलिंग्स को सिर्फ सुनता है और सुनते हुए वो कुछ स्टेज से गुजरता है कि जिनको हम बैबलिंग या कोइंग और इस तरह की चंद और स्टेजेस हैं जिनसे वो गुजरता है राइट right? और उसके बाद फिर वो अपना पहला वर्ड अटर करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वोकेबलरी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है राइट सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग ओनली देन वुड यू बी एबल टू स्पीक वेल राइट तीन साल तक आपके इस वोकेबलरी बैंक में वर्ड्स ऐड होते रहते हैं जिसे हम लेक्सिकल रिसोर्स कहते हैं वो आपका बनता चला जाता है और उसके बाद फिर आप स्कूल uh, जाते हैं स्कूल में ऐसा कभी नहीं होता कि आपके स्कूल के पहले दिन ही आपको आ, 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 कागज पेंसिल दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप आ, बोल तो सकते हैं अब आप लिखें सो यू नीड टू रीड यू नीड टू लर्न हाउ टू रीड फर्स्ट और उसके बाद जब आप एक खास प्रोफिशिएंसी एक्वायर कर लेते हैं रीडिंग में देन यू आर एबल टू राइट इट सो राइटिंग इज द फोर्थ एंड लास्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज एक्विजिशन और अनफॉर्चुनेटली अस्पायरेंट्स इन तीनों जो आपके स्टेप्स uh, हैं उनको छोड़ के और इंग्लिश ऐसे की तरफ आते हैं और सबसे पहले वो राइटिंग स्टार्ट करते हैं जो कि गलत है इंग्लिश लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को सही तौर पे सीखने के लिए उसको सही तौर पे लिखने के लिए यू मस्ट फॉलो ऑल दी स्टेप्स अब आपकी क्योंकि काग्नेटिव डेवलपमेंट इस तरह से हो चुकी हुई है आपकी कॉगनेटिव डेवलपमेंट इस अंदाज में और इस स्टेज पर आप हैं कि आप इन तीन स्टेप्स को चार स्टेप्स को साइमल्टेनियसली लेके चल सकते हैं तो आप अपना टाइम बचाने के लिए इनको साथ लेके चलें आप एक डेढ़ घंटा लिसनिंग को जरूर दें दिन में लिसनिंग में आप पॉडकास्ट्स इंटरव्यूज डॉक्यूमेंट्रीज और साथ में आप टॉक शोज वगैरह सुन सकते हैं अल जजीरा से और इसके अलावा टी आर टी वर्ल्ड है टी एल डी आर न्यूज़ है इनसे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज को सुन भी सकते हैं अपने कानों को आदत डाल सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सुनने की साथ में आप रीडिंग के ऊपर आए तो रीडिंग में आपने याद रखें कि आई के प्रेस रिव्यूज़ ताकि आपका नैरेटिव जो भी बने वो स्टेट के नैरेटिव से अलाइन हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक तो आई के प्रेस रिव्यूज़ दूसरा आपने जो रीडिंग कंपल्सरी रीडिंग आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए रिसर्च पेपर्स की ताकि आपको एकेडमिक लैंग्वेज और फॉर्मल एक्सप्रेशन का पता चले कि वो कैसे होता है टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में शिफ्ट कैसे किया जाता है ये तमाम चीज़ें और उसके साथ आपने राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है जो कि दो पार्ट्स में होनी चाहिए सबसे पहले आप ग्रामर को लेके चलें ग्रामर में Uh, जो ये चार चीजें आपको बताऊंगा इनको आपने पहले फोकस करना है सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देन एक्टिव और पैसिव के टेंसेस टेंसेज अलहदादा से एक्टिव के बारह टेंसेस और पैसिव के आठ टेंसेस इसके अलावा थर्ड uh, जो आपकी चीज़ फोकस में होनी चाहिए वो होनी चाहिए मॉडिफायर्स उनके टाइप्स और खास तौर पे डैंगलिंग मॉडिफायर्स एंड हाउ टू फिक्स दैम राइट फोर्थ आपकी जो चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए पंक्चुएशन राइट right? के बाद आप एक लेक्चर सीरीज सुने फोनोलॉजी इन इंग्लिश लैंग्वेज सो दैट यू कैन हैव अ बेटर ग्रिप ऑन योर स्पेलिंग्स एंड देन यू नीड टू लिसन टू लेक्चर सीरीज ऑन सिंटेक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज सो दैट यू नो द करेक्ट ऑर्डर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस राइट और उसके बाद फिर आप रेनन मार्टिन के ऊपर आ जाए रेनन मार्टिन को आप जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होते तब तक डेली बेसिस पे आप उसको करें एक दफ़ा खत्म होती है दोबारा शुरू करें दूसरी दफा खत्म होती है तीसरी दफ़ा शुरू करें और इसको आपने छोड़ना नहीं है इसके अलावा दूसरा पार्ट जो राइटिंग में आएगा वो होगा एक पैराग्राफ डेढ़ सौ से दो सौ अल्फाज का जो जिसका टॉपिक होगा वही जो कि आपने रिसर्च पेपर में पढ़ा है इसको इस पूरी रूटीन को फॉलो करें डेली बेसिस पे अपने आप को तीन से साढ़े चार घंटे दें एक से डेढ़ घंटा हर स्टेप के लिए और इन एक से डेढ़ महीने के अंदर आप देखेंगे कि यू बी राइटिंग लाइक अ प्रोफ़िशिएंट इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर राइट विद दिस बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड दिस इज आफाक इमरान साइनिंग ऑफ